किराएदार नूं चुकना मकान मालक नूं काफ़ी महंगा पै गया। दस दिए कि एक शख्स वालों घर के उत्ते फायरिंग की गई है तो परिवार की वाल वाल जान बची है। गनीमत रही है कि किसी ने भी यह फायर लग्या नहीं है। घटना कोल ही लगे सीसीटीवी कैद हो गई है। तस्वीरों साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स आता है तो घर के उत्ते अन्नेवाह दो तो तीन राउंड फायर करके मौके तो फरार हो जाता है। हालांकि ठीक पहला इसके अगे जिससे गोलियां चलाउणियां सी वो एक घर के वड़ के अपनी जान बचाते हैं। तो मामला फरीदकोट तो सामने आया जिथे कि एक मकान मालक न किराएदार चुकना काफ़ी महंगा पै गया तो उस किराएदार के वलों आके शरेआम ही घर से गोलियां चला दी गई ने। जानकारी देते मकान मालक ने दसिया कि जिस शख्स के वलों गोलियां चलाई गई ने वो पहला उन्होंने घर किराए के उत्ते रहा सी ते जदों उसका छोटा भरा चोरियां करन लग्या तां उन्होंने किराए तो उन्होंने चक दिता ते उन्होंने घर तो थोड़ी दूरी के उत्ते ही अपना मकान ले लिया। हालांकि बाद दे विच इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा रंजिश चलन लगी ते ऐतवार नूं समा पा के राजीनामे का टाइम रख्या होया सी पर ठीक उस तो पहला आके उस किराएदार ने जिसनों कि उठाया गया सी उसके वलों उसके छोटे भरा ते गोलियां चला दित्तियां जिस दे विच दस्या जा रहा है कि जदों उसने गली दे विच पहली गोली चलाई तो वह उत्थों भज लैंदे ने ते एक घर दे विच वड़ के वह अपनी जान बचाउंदे ने पर गुस्से दे विच आए उस किराएदार दे वल्लों तार तार करके उस घर दे उत्ते भी फायरिंग कर दित्ती जांदी है जिस दे विच दस्या जा रहा है कि घर ते गोलियां दे निशान हाले तक छपे हुए ने। मौके दे उत्ते पुलिस पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है ते पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई गई है। घटना कोल ही लगे एक सीसीटीवी दे विच भी कैद हो गई है। ये मामला ही कोई रंजस नहीं, ये पुराना अपने सपने किराए ते रहिंदा रही है, ओहदा नाम रवि है, अपने किराए ते रहिंदा रह गई, किराए ते तीन चार साल रहा। किराए ते रहने तो बाद असीं इत्थों भी इहदे भरा ने छोटे ने चोरी चारी कीती। एक दिन मेरे महल्ले वाले मैनू कहिंदे भी ऐं करके ना भी जां तां इहनू कढ दे, नहीं तां तेरे ते पए। असीं इहनू तोड़ता इत्थों, इह रहिण लग पिया बचाकी रोड ते, इहनां ने घर लै लिया आपदा, उत्थे रहिण लग पए। उदू बाद ना मेरे छोटे भाई ने तू तू मैं पुरानी होंगी रही, तो मैं इन्हें मैंने फोन किया एक दिन कहता बी बह के गल करनी आ, मैं कोई ना बह ले। उदू बाद सरपंच जी के इलैक्शन चल पे, मैं इलैक्शन च सी गई तो असी अज कल कल बहना सी, मतलब कि ऐतवार बहना सी, बहन खातर बी इन ना ये कल आके आ वाका करके सानू पता नहीं सी। मैं रात मेरा मित्र बीमार सीगा, मैं उत्थे पता लैन गया सी। बाद चो मैनू घरों फोन आया भी आ करके गल भी अपने तेरे भरा दे छोटे दे रवि फायरिंग करके आके घरे। तो जो मैं इतने आया उदो गली सारे कट्ठे हुए थे जी, तो यह भज गया फायरिंग करके जी। इधरों मतलब कि वाड़े वाले पासों आया जी, ये मोटरसाइकिल से वाड़े वाले पासों ये भज गया। बस रंजस दसी नहीं, बह के गल करनी सी, बैठा नहीं उदू पहले यार गल कर गया, जो बहुत तो रंजस सानू दसदा है की रंजस हुण इहनू पता भी रंजस की है। रात आए सीगे मतलब कि अपने एस एच ओ साहब भी आए सी इंस्पैक्टर, वह रात आके जावड़े पर बयान पुछदे सी बयान करा उहनू, पर बयान मेरी मम्मी भी माड़ी कंडीशन दे विच सी, दवाई दवुई चलदी सी, अटैक दी मरीज आई, वह कहिंदे भी असीं बयान सवेरे दा अज बयान दे। रात मैं तो इन्हां दे मम्मी भी सनी दे मम्मी भी बैठे हुए सी अंदर, मेरा भी भरा पूरा हो गया सी, अफसोस करन आए सीगे, तो असीं अंदर ही बैठे से जदों फायरिंग चली आ, फायरिंग चली आ ना, तो असीं भी सानूं लगे पटाके चले आ, तो पिछे पिछे ना जदों चले मुंडा ना अंदर भज्जिया, अंदर भज्जिया तो जिहदे पिछे आए सी, जदों अंदर भज्जिया तो उहदे नाल ही मतलब उहनां दी मम्मी निकल के आए बाहर, तो असीं भी नाल ही निकल के आए, तो साडे घर वल नूं फायर कीते सी। किन्नियां गोलियां तां चलाईयां जी पता लगा? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਚੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ।